वैसे ही बनी है देखो। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की यार वीडियो में देखो, मैं मानता हूँ एक महीने से कोई भी, एक महीने या 25 दिन से कोई वीडियो नहीं आई क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, तो कंटेंट कुछ मिल गया था। तो मैं सोचा क्यों ना आपके लिए का मतलब सारे लोग जो मैं देखा ब्लॉगर्स वगैरह आजकल घर में फूड ट्राई कर रहे हैं अलग तरीके का, तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी एक फूड ट्राई करता हूँ। तो आज हम एक डिश ट्राई करेंगे जो कि है मंचूरियन, वेज मंचूरियन हम ट्राई करेंगे। मैं खुद बनाऊंगा पूरी मंचूरियन, क्या क्या उसमें सामान लगेगा, कैसे बनाना है, क्या चटनी लगेगी, क्या कौन से चटनी वगैरह डालने जो भी डालना है, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप मुझे बताना कमेंट्स में वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको ऐसी और रेसिपीज चाहिएगी तो मैं वो भी डाल दूंगा क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर हम जा नहीं सकते, हमको घर में ही जो बनाना है बनाना है। तो हमने ट्राई करा कि हम एक फूड रेसिपी बनाते हैं, तो इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई कैसे मंचूरियन बनाया, टेस्टी बना नहीं बना, फेल हो गया, पास हो गया, नहीं हुआ, तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल कर देना सब्सक्राइब, उस वीडियो कर देना लाइक क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहते हैं। और इंस्टाग्राम आपको यूजर नेम दिख रहा है, उसको फॉलो भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किचन में आ चुका हूँ, तो फटाफट मतलब क्या सामान चाहिए, तो किचन में आके अब हम सारा सामान मतलब स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमको सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक मीडियम साइज़ की अपनी कैबेज चाहिए होगी, बंद गोभी, उसको आप अच्छे से कोतर लेना, और दो कैरेट्स ले लेना, उसको भी अच्छे से कोतर लेना, और उसके बाद आपको मिलता हूँ मैं आप। और दो कैरेट्स के और बंद गोभी के अलावा आपको चाहिए होगा, आप कहते हैं आपको चाहिए होगा एक दो प्याज काट लेना, और एक शिमला मिर्च काट लेना, एक शिमला मिर्च और दो हरी मिर्च काट लेना, ठीक है। तो मैं फिर काटता हूँ उसको। तो ये गाइस हमारी गाजर हो गई है, गाजर है ये, और ये ढेर सारी बंद गोभी है, ये भी बंद गोभी है, और ये भी बंद गोभी है, एक मीडियम साइज बंद गोभी काटी है हमने। और बाकी इसके अलावा ये प्याज है, ये वाइट ऑनियन मेरे पड़े हुए थे तो मैं सोचा उसको काट लेता हूँ, बाकी आप तो नॉर्मल ऑनियन भी डाल सकते हो, उसको फटाफट काटते हैं हम। अब इसको मैं आपको फटाफट काट के मिलता हूँ, उसके बाद मैं शिमला मिर्च काटूंगा, तो पहले ये काटते हैं। सो गाइस हमने प्याज काट लिया, अब शिमला मिर्च काटते हैं। शिमला मिर्च हम आधी लेंगे, पूरी बहुत बड़ी होगी तो हम इसको आधी लेंगे, आधी काटते हैं इसको फटाफट। तो ये आधी शिमला मिर्च काट लिया, इसको पूरे ढंग से काट के आपको फिर मिलता हूँ मैं। सो गाइस अभी आधी शिमला मिर्च भी काट ली है, ये सारी हम ग्रेवी के बनाते, प्याज और शिमला मिर्च ग्रेवी में डालेंगे, बाकी ये इनकी मंचूरियन बॉल्स बनेगी। तो अभी इसके अलावा लहसुन काटने, लहसुन भी काट लिया, लहसुन काटना है हमको, और बाकी लहसुन काटना है, हरी मिर्च काटनी है, तो बाकी कुछ काट के आपको मैं एक बार से मिलता हूँ। वही ये हमारा सारा बंद गोभी और गाजर का मिक्सचर है, तो इसमें फटाफट हम डालते हैं कॉर्नफ्लावर डलेगा इसमें, थोड़ा आपका डलेगा मैदा, थोड़ा आपका डलेगा धनिया पाउडर वगैरह, सब कुछ डलेगा, तो उसको दिखाऊंगा कैसे कैसे कितना कितना डालना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक, ये तो सारा नमक डाल दिया मैंने और डालूंगा, ठीक है, ये नमक डाल दिया। इसके अलावा थोड़ा डाल देना आप धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। मेन इसमें इंग्रीडियंट डलेगा एक तो आपका ये गरम मसाला, ठीक है, ये गरम मसाला डल गया। इसके अलावा डलेगी इसमें देगी मिर्च, तो ये देगी मिर्च डालेंगे, ठीक है, ये देगी मिर्च डाल दी, ठीक है। अब इसमें ना हम तीन टेबलस्पून डालेंगे मैदा के, और तीन टेबलस्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर के। तो पहले हम थोड़ा करके डालेंगे, सारे सारे डालना, तो पहले हम दो दो चम्मच डालते हैं थोड़ी चीज़ें। ज़्यादा मैदा मत डालें तो वो कच्चा रह जाता है, एक चम्मच हम, ये दो चम्मच ये डाल दिया, अभी दो चम्मच डाला फिलहाल, अगर जरूरत पड़े तो आप एक चम्मच डाल लेना। फिलहाल मैंने दो चम्मच ले लिया मैदा, और दो चम्मच मैं लूंगा कॉर्नफ्लावर, एक बस बहुत है। अब इसको हम फटाफट करते हैं मिक्स। Oh,
भी सामान तैयार हो चुका है, कुछ ऐसे कुछ बॉल सुनाइए, मैं इसका एक और बॉल बना के देता हूँ, एक और बॉल बना के दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसे आपने बॉल बना लेनी है, एक बॉल बना लेनी है आपने, ये बॉल बन जाएगी आपके ऐसे, अपने हिसाब से बनाते रहना। बाकी ये बॉल तो बनती रहेगी, तो पहले मैंने अपना घी थोड़ा स्लो फ्लेम में स्टार्ट कर देता हूँ। घी मैंने घी रख दिया है, इसकी मैं स्लो फ्लेम में इसको गैस ऑन कर देता हूँ। तो ये घी गर्म होता जाएगा अपना साइड बाय साइड, इतने में मैं मंचूरियन बॉल्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो फटाफट अब आपको मैं सारे के सारे मंचूरियन बॉल्स बनने के बाद आपको मैं मिलूंगा। तो इस साथ में मेरा घी जो है गर्म होते रहेगा। ठीक है, बॉल जो है वो तैयार हो गई, तो थोड़ा फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं बॉल्स को। ऐसे थोड़ा डीप फ्राई करेंगे। अब इसको हम करारे करने के लिए, क्रिस्पी करने के लिए इसको हम फुल स्पीड में करेंगे, जैसे बाहर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो फिर इसको हम अच्छे से फुल फ्लेम में इसको फ्राई करते हैं। इसकी ग्रेवी, तो फटाफट इसकी ग्रेवी बनाते हैं। अभी नई एक और कढ़ाई आ गई है, इसमें हम बनाएंगे मंचूरियन की ग्रेवी, उसको मंचूरियन को डाल देंगे। सबसे पहले हम गैस को करेंगे एकदम फुल में, गैस चल गई है हमारी, थोड़ा सा पहले इसको सूखने दो, थोड़ा पानी रह गया इसमें, ये सूख जाए एक बार। अब हम इसमें ना जो हमने घी यूज़ करा था पहले वाला, हम इसमें वही घी डाल देंगे। और घी डाल दिया, इतना इनफ है, थोड़ा डाल देते हैं ये इनफ है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन, ये 10-15 ये क्या कहते हैं, ये लहसुन काटा था, तो इसको आप डाल दो पहले। इसमें डाल देंगे प्याज, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे पहले, थोड़ा एक गोल्डन ब्राउन बस थोड़ा सा, मतलब इसको फ्राई कर देंगे। शिमला मिर्च और हरी मिर्च, नमक थोड़ा ठीक ठीक डालना, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होएगा, विनेगर में भी नमक होता है, तो नमक ठीक ठीक डालना, ज़्यादा मत डालना। दो टेबलस्पून डालेंगे हम टोमेटो केचप,
आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। एक दो, एक चम्मच हम डालेंगे सोया सॉस, इसके अलावा चिली सॉस भी डालेंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा हम डालेंगे एक चम्मच विनेगर, बहुत। अभी इनको अच्छे से मिला लेंगे। काली मिर्च एक चम्मच, ये काली मिर्च है, ठीक है। काली मिर्च पहले डाली, देगी मिर्च भी डालना भूल गया था मैं, देगी मिर्च भी डाल देता हूँ उसमें। देगी मिर्च अभी कश्मीरी मिर्च अगर कुछ आपके पास हो, ठीक है, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। आधा ग्लास पानी, इसको अच्छे से हिलाइए। थोड़ी मेरे को लग रही केचप सही है, ठीक है। अब ये ज़्यादा ही आपको लग रहा है ना कि ये थोड़ी भूरी हुई होगी, थोड़ी ज़्यादा ही करते हैं लाइट होगी, तो उसको डार्क करने के लिए, ठीक करने के लिए इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर का। एक मैं ये कटोरी लूँगा, इसमें मैं एक टेबल स्पून डालूंगा कॉर्नफ्लावर, ये मैंने इसमें एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया, इसमें डाल दूंगा पानी। पानी लिया, इसको अच्छे से हिला दिया एक बार, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे, आप देखोगे ना धीरे धीरे ये एकदम ना थोड़ी डार्क होती जाएगी, दिखाता हूँ। केचप कम लग रही है, तो उसको अच्छे से हमने हिलाया। अब इसके बाद हम डाल देंगे इसमें मंचूरियन, जो हमारी मंचूरियन थी क्रिस्पी मंचूरियन बॉल्स, इसको हम डाल देंगे। वैसे ही बनी है देखो। अब इसको हम थोड़ा सर्व करते हैं, इसको मंचूरियन अच्छे से डालेंगे और इसको हम खा लेंगे। एकदम बढ़िया बनी है ग्रेवी, एकदम मैंने वो बनाई एकदम ठीक ग्रेवी, ग्रेवी भी एकदम बढ़िया, मंचूरियन एकदम बढ़िया बनी है। अब ये नहीं कि मैंने बनाई इसलिए मेरे को बढ़िया लग रही है, वैसे ही बढ़िया है, क्योंकि मैं घर में बनाते रहता हूँ तो मैंने सोचा आज दोबारा बनाते हैं, तो इसलिए मैंने बना ली, बहुत टेस्टी। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, आपको मैंने पूरी रेसिपी दिखा दी कि कैसे बनाना है, क्या रेसिपी में सामान लेना, अपने क्या क्या डालने का, क्या नहीं डालना, सब कुछ मैं दिखाया, डिटेल में दिखाया। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ये रेसिपी हमको भी अच्छी लगी तो ज़रूर उनको मतलब भेज देना, व्हाट्सएप वगैरह में जगह शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करता चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस वीडियो में इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रवजोत सिंह को जानकर सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को यहाँ पर।